हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। ये हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम लोग 69th बीपीएससी के क्वेश्चन की सोर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं। सोर्स ट्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो ये हमारे कौन से सोर्सेज से बनाया जा सकता था। क्या ये हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज, जो कि हम लोग एक लंबे टाइम से बीपीएससी के लिए फॉलो कर रहे हैं, बीपीएससी के वन लाइनर पैटर्न के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो अब जो बीपीएससी का पैटर्न आ गया है उसके लिए भी वो रेलेवेंट है सोर्सेज, या हमें अपने सोर्सेज चेंज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसीलिए क्वेश्चन है, और इसके लिए हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं 69th बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को। तो ऑलरेडी हम लोग फिज़िक्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री कर चुके हैं, करंट अफेयर्स को देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। सोर्स ट्रेसिंग के लिए हम लोग दो बुक को एज अ बेंचमार्क रखेंगे। वो रखने का एक रीज़न ये है क्योंकि एक बुक रहेगी हमारी लूसेंट। लूसेंट इसलिए क्योंकि बहुत ही पहले से, बहुत ही लंबे टाइम से इसको फॉलो किया जा रहा है, और ये रिजल्ट्स भी दे रही थी पुराने पैटर्न में, कि अगर आपको लूसेंट के सारे फैक्ट्स याद हैं तो पॉलिटी के आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। दूसरा सोर्स हम रखेंगे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को, जो कि यूजुअली यूपीएससी के बच्चे फॉलो करते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। ये दो हमारे बेंचमार्क रहेंगे कि क्या ये लूसेंट से सॉल्व हो सकता है और क्या ये एम लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकता है। एक वन लाइनर पैटर्न पे है और एक पॉलिटी की प्रॉपर टेक्स्ट बुक है जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हम जब एक बार एक एक करके सारे क्वेश्चन पे आएंगे, उसके पहले एक दो चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। पहली चीज़ तो ये कि पॉलिटी की इम्पोर्टेंस पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में कितना डिफ़र कर रही है। तो पहले से अगर देखेंगे हम लोग तो पॉलिटी की इम्पोर्टेंस काफ़ी चेंज हुई है। पहले पॉलिटी में 6 to 7 क्वेश्चंस आ जाते थे, और ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही सिंपल लेवल कह लो या वन लाइनर टाइप के कह लो, और कुछ सेट चैप्टर्स थे जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती थी उन्हीं से आते थे। लेकिन अब जो पैटर्न है वो दोनों तरीके से चेंज हुआ है। ये जो 6-7 क्वेश्चन हैं ये अब 13-14 पे पहुंच गए हैं, और ये जो फैक्चुअल नेचर था क्वेश्चन का वो अब कॉन्सेप्चुअल भी चला गया है, प्लस इसका विड्थ भी बढ़ गया है। ये एक ज़्यादा चैप्टर से अब पूछ रहे हैं। पहले क्या था कि कुछ चैप्टर जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर मैंने कर लिया, डीपीएसपी कर लिया, अगर मैंने पंचायती राज कर लिया, अगर कुछ 4-5 चैप्टर्स मैंने कर लिए तो मेरा काम सॉर्टेड था कि ठीक है पॉलिटी पे अब इतना ही फोकस करना है। लेकिन अब चैप्टर्स बढ़ गए, कॉन्स्टिट्यूशन की डेप्थ में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आर्टिकल्स काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स टाइप के पूछ रहे हैं, जुडिशरी से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कन्फ्यूज़ कर दे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को। तो इसलिए पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज हुआ है, और इस पर जो हमको ध्यान देना चाहिए, जो इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक हुई ये बात। दूसरी मुझे ये बात करनी है कि एक तो डिस्क्लेमर भी देना है। मैंने क्या कहा कि एक लूसेंट को हम लोग यूज़ करेंगे और लक्ष्मीकांत सर की बुक को यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ कि लूसेंट अच्छी बुक नहीं है या एम लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है। बुक कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, बुक होती है कि क्या ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो उस एग्ज़ाम के डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपके लिए एक राइट सोर्स है, और अगर नहीं कर पा रही है तो आपको अपने सोर्स चेंज करने की ज़रूरत है। बुक अच्छी या बुरी नहीं होगी। तो ये जस्ट एक डिस्क्लेमर था कि अगर हम दो पैरामीटर्स को ले रहे हैं तो हम बुक की क्वालिटी या उसके अच्छाई या बुराई को हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ये हमारे एग्ज़ाम के डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रही है कि नहीं, क्या इसको पढ़ने के बाद हमारा स्ट्राइक रेट 90% तक जा पाएगा कि नहीं। दैट्स इट, इतना ही मोटो है हमारा। तो इस वीडियो के 2-3 एजेंडा होंगे। पहला एजेंडा होगा कि हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे
और उनके आंसर्स देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये कौन से सोर्स से बन पा रहे हैं, क्या ये लक्ष्मीकांत से बन पा रहे हैं, क्या ये लूसेंट से बन पा रहे हैं। ये एनालिसिस करने के बाद हमारे कुछ रिजल्ट्स आएंगे कि ठीक है इतने क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से बन पाए, इतने क्वेश्चन लूसेंट से बन पाए, ठीक है इतने क्वेश्चंस किसी भी बुक से नहीं बन पा रहे हैं, इतने क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। तो इस टाइप से हमारे कुछ रिजल्ट्स आएंगे इस एनालिसिस के बेसिस पे, और इन रिजल्ट्स के बेसिस पे कुछ आपको सजेशंस दिए जाएंगे कि ठीक है आपको अपना सोर्स इस टाइप से करने की ज़रूरत है, आपको कुछ इन चैप्टर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस इस टाइप से मोल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है अंडरस्टूड। ठीक है अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आप चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसकी सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले ये है पंड्या, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता है, लेकिन अभी देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन इसने पढ़ा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसको देख के पंड्या को लगा ये मुझे आता है, ये मेरे सोर्स से भी बना है, तो मुझे अपना सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पंड्या को हम क्या बोलेंगे, होल्ड करो अभी और क्वेश्चन देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हर जगह हर सोर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आयरलैंड। अब कहाँ कहाँ मिल रहा है ये हमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम लक्ष्मीकांत, ये लूसेंट, देखो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। कहाँ कहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको कन्फ्यूजिंग बनाया जा सकता है, कैसे, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 विच हैज़ कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडिया ने आयरलैंड से लिया, आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। अगर यहाँ पे नन ऑफ द अबव की जगह स्पेन रहता और किसी ने बहुत ही वेगली पढ़ रखा होता, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं किया होता, तो उसको आयरलैंड भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता और थोड़ा थोड़ा स्पेन भी याद आ रहा होता, तो यहाँ पे उसके लिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता। ऑल दो यहाँ पे अभी बहुत सिंपल किया हुआ है, लेकिन हम ट्रेंड को देखेंगे ना, बाकी क्वेश्चन को देख के ये पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो रहा है क्वेश्चन। आप देखोगे एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आएगा, एक आर्टिकल वाला क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तो बताऊंगा मैं कि इतना सिंपल नहीं रह गया, तो उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है, एक बार पढ़ के कन्फ्यूज़न होने का चांस रहता है हमेशा। ठीक है तो अभी तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आयरलैंड इसका आंसर होगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फ्रॉम द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिमिलर पैटर्न पे है, सेम चैप्टर से है और सेम थीम पे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। पहला इसने पूछा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए, ये पूछा है फंडामेंटल राइट्स के लिए। आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लक्ष्मीकांत सर की बुक में भी है, इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, बिल्स ऑफ राइट जिसको कहते हैं, लूसेंट में भी है कि कौन कौन से हमारे सोर्सेज हैं, तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। प्लेन सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाई विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। सिंपल आर्टिकल 17, ठीक है। अगेन ये आपके लक्ष्मीकांत में भी है, ये आपके लूसेंट में भी है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब सही चल रहा है। अगर आपने फैक्ट्स भी याद कर रखे हैं लूसेंट से तो भी आपके तीन में से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन बिफोर सेइंग दिस एक चीज़ मुझे बतानी है कि सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है। आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन कभी भी सिंपल क्वेश्चंस में नहीं डिपेंड करेगा। हाँ सिंपल क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन को निगेट ज़रूर कर सकते हैं। क्यों, सपोज करो यही क्वेश्चन है,
अनटचेबिलिटी वाला, अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर में बैठ रहे हैं तो अज्यूम करो कि 90% स्टूडेंट्स को आता होगा आंसर। जो 10% स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे जो हैं जिन्होंने लैक ऑफ नॉलेज कह लो या कंफ्यूजन में कह लो, अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो वो 90% स्टूडेंट से पीछे हो जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन सही करने आपको कोई एज सच एडवांटेज नहीं दे रहा है, आप अभी भी 90 में ही हो, लेकिन अगर आप इसको गलत कर दे रहे हो तो आप उन 90 से भी अलग हो जा रहे हो, आपको एक बहुत ही पीछे पुश मिल रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन को कभी गलत करने का आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, सपोज़ करो 100 स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें कोई एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 20 बच्चों को ही आता होगा, तो अगर आप इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सही कर रहे हो तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसको अगर आप गलत भी कर रहे हो तो 80 लोग गलत कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट समझ में आया ना, मेरा कहने का सिंपल ये मतलब था कि ये 3 क्वेश्चन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत करने। चलो अब हमारा बंडिया थोड़ा सा परेशान होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन ऐसा पढ़ा है जो इसने ना तो पहले कभी किसी टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व किया था, ना तो इसने ऐसे क्वेश्चन की कभी तैयारी की थी। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि किससे सॉल्व होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलेजियम सिस्टम। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज़ ए 5 मेंबर बॉडी विच इज़ हेडेड बाई द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कॉम्प्राइजेज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एट दैट टाइम। कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन है। कॉलेजियम सिस्टम हायर जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट बाई लॉ हैज़ इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। एक चीज़ देखो, यूजुअली आप कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोज और ये सब देखते हो ना, तो वो कहते हैं कि ओनली बड़ा एक्सट्रीम वर्ड होता है, ओनली अगर आए ना तो उसको गलत मानना चाहिए। बट यही मैं बता रहा था कि VPSC अब कॉन्सेप्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे ओनली गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, तभी आप बना पाओगे। अगर आपको नहीं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कॉलेजियम सिस्टम की, अगर आपके इसको आपको इसके फैक्ट्स, इसकी क्रोनोलॉजी वगैरह नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए। चलो लास्ट स्टेटमेंट भी देखते हैं। द कॉलेजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाई जस्टिस PN भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेस केस। अब देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, दोनों का मिक्सचर है ये, तो क्या ये लूसेंट से बन सकता है? नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो लूसेंट से नहीं बनेंगे, और जो सिर्फ लूसेंट पढ़ के जाएंगे वो ऐसे रहेंगे, तो कहाँ से बनेगा ये? M. लक्ष्मीकांत सर की बुक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि कैसे सेकंड जज केस में अपना कॉलेजियम सिस्टम आया, ठीक है। कॉलेजियम के पार्ट कौन कौन होते हैं, CJI प्लस 4 जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, किसी में भी बिना कॉलेजियम के अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है, कॉलेजियम को फॉलो करना ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको किसी ना किसी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ही होगा, बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या बिना किसी टेक्स्ट बुक को पढ़े आप ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो थोड़ा सा अगर मुझे आंसर भी एक्सप्लेन करना हो तो द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज़ ए 5 मेंबर बॉडी, जैसे मैंने बताया कि CJI प्लस 4 मेंबर्स रहते हैं, हेडेड बाई द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, मतलब उस टाइम के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक होंगे, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट टाइम। तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट बाई लॉ हैज़ इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, देखो सेकेंड जज केस में ये इवॉल्व हुआ है, ना कि पार्लियामेंट ने इवॉल्व किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटमेंट
अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम. ये देखो, नो अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इन कंट्रारी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मतलब कि कोलेजियम सिस्टम के बिना किस कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया. द कोलेजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाई जस्टिस पी एन भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस. नहीं है, सेकेंड जज केस में हुआ है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. क्या क्या सही हुआ? 1 और 3 आंसर होगा डी. तो अब सुनो, किसी किसी को लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन तो ऐसा आया है, इसको स्किप कर देंगे, सारे क्वेश्चन तो बनाने नहीं है, सारे क्वेश्चन सही भी नहीं होने चाहिए. तो ऐसा नहीं है, बाकी क्वेश्चंस को भी देखो, उसके बाद डिसाइड करेंगे. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज. सिंपल भले लगे देखने में, लेकिन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. कंफ्यूजन होने के चांसेस अच्छे अच्छे बच्चों के हैं इसमें. ऐसा नहीं है कि जिसने फैक्ट्स याद किए हैं या जिसने सिर्फ लूसेंट पढ़ी है उसके लिए दिक्कत है. ये जिसने लक्ष्मीकांत भी पढ़ रखी है लेकिन रिवीजन नहीं किया अच्छे से, वो भी गलत करेगा ही करेगा क्वेश्चन. नहीं करेगा, करेगा ही करेगा. नहीं, इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये तुक्के से सही हो सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट वगैरह के क्वेश्चंस में अगर आपने एमसीक्यूज वगैरह लगाए हैं ना, अगर आपको प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी कर रखी है, तो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप प्रेसिडेंट टिक कर दोगे. देखो ये तो नहीं करेगा कोई, थोड़ा भी मतलब पढ़ने वाला बच्चा है तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करेगा. उसको कन्फ्यूज़न आएगा ए में और डी में, और अगर उसने बहुत एमसीक्यूज सॉल्व कर रखे हैं ना तो वो ए टिक कर देगा. इससे होगा क्या, उसका आंसर सही हो जाएगा. लेकिन अब कैच यहाँ पे क्या है, ट्रेंड को समझने के लिए क्या है कैच. देखो ये तो पेपर हो चुका है ना, ये तो दोबारा नहीं होने वाला है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है. हमको समझना है इसे ट्रेंड. सपोज करो यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं लिखा होता, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा होता. द अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट रेस्ट विच विथ ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज. तब आंसर ए नहीं होता, डी हो जाता. तो ट्रेंड से क्या समझ आ रहा है कि बीपीएससी कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा है, रॉट लर्निंग से काम नहीं चलेगा. अगर हाई कोर्ट में आप तुक्के से प्रेसिडेंट करके सही हो रहा था तो वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये देखना है कि मुझे कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं, मुझे ये क्लैरिटी थी कि नहीं कि हाई कोर्ट के जजेस के नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नंबर ऑफ जजेस की को डिसाइड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, वो बाय एक्ट डिसाइड होता है. अगर ये क्लैरिटी है तो ठीक है, नहीं तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो आंसर क्या होता? पार्लियामेंट. अगेन ये क्वेश्चन भी लक्ष्मीकांत सर के बुक से बन पाएगा, लूसेंट से नहीं बनेगा. देखो द कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट. यही आप जाके सुप्रीम कोर्ट वाले में देखोगे तो वहाँ पार्लियामेंट बाई एक्ट करती है डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे. ठीक है, तो ट्रेंड को समझो, सोर्सेज के साथ साथ क्वेश्चन की ट्रेंड को, क्वेश्चन पूछने के तरीके को भी समझना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. अगेन वैसा क्वेश्चन जो गलत करना हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, गलती से भी यहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं करना है. अगर जैसे ही आपने शेड्यूल कास्ट को टिक किया आप रेस में थोड़ा सा पीछे तो हो गए हो, क्योंकि देखो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना कि बहुत डिफ़िकल्ट है जिसको मैं सोचूं कि बहुत बच्चों का गलत होगा. पॉलिटी में स्ट्राइक रेट यूजुअली स्टूडेंट्स की 12 ऐसे रहती है. थोड़ा अच्छा स्टूडेंट हुआ तब तो फिर
ये भी पॉसिबल है, तो आप बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में तो दिक्कत होगी ही। अगर बहुत कोर फैक्ट पूछ लिया, ऐसी चीज़ पूछ ली जो नहीं याद है, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। लेकिन पॉलिटी क्या है, पॉलिटी स्ट्रांग रहती है स्टूडेंट्स की, तो वो आपकी भी होनी चाहिए। आंसर इसका क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब्स। अब होता है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसी गलती हो जाएगी कि आउट ऑफ द ब्लू हो गई, किसी की हो ही नहीं रहेगी। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो वहाँ जाके हो जाएगा कि शेड्यूल कास्ट होता है कि शेड्यूल ट्राइब्स होता है, तो रिवीजन करना है। अगेन ये लक्ष्मीकांत सर की बुक से भी बन जाएगा और ये लूसेंट से भी बन जाएगा। देखो, फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइब्स, फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल, बहुत न्यूज़ में भी रहा था, केशव नंदा भारती केस, लक्ष्मीकांत सर की बुक, केशव नंदा भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट ओवरलूड जजमेंट, न्यू डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केशव नंदा भारती केस। ठीक है, लक्ष्मीकांत सर की बुक से भी बन रहा है और लूसेंट से भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन ऐसा क्वेश्चन जो कि गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें कि फैक्ट्स भी हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। मतलब अगर आपने लूसेंट से फैक्ट्स याद किए हुए हैं तो गारंटी नहीं कि आप याद बना लोगे इसको, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि सारे स्टेटमेंट्स, हाँ एक चीज़ आपको बताता हूँ, चलो देखो, कभी भी ट्रेंड एनालिसिस करो ना, और एक चीज़ होती है ट्रेंड एनालिसिस, एक होती है एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक। कभी भी ट्रेंड एनालिसिस करो तो उसमें इसको नहीं घुसाना चाहिए कि हाँ, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। तो इट एडेड 3 न्यू वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। ये फैक्ट मुझे लूसेंट में भी मिलेगा और एम लक्ष्मीकांत में मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, ये स्टेटमेंट सही है, सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सही है तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ट्रेंड एनालिसिस करते टाइम कभी भी इन टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, मेरा मोटिव क्या है कि मैं क्वेश्चन के सोर्सेस को पकड़ूं। सोर्सेस पकड़ने तो मुझे ये सारे स्टेटमेंट्स मुझे सोर्स में मिलने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ चुका है ना। अब हो सकता है कि ये स्टैंड अलोन इस स्टेटमेंट पे कोई नया क्वेश्चन आ जाए या इस स्टेटमेंट पे नया क्वेश्चन आ जाए। तो नेवर मिक्स योर ट्रेंड एनालिसिस विथ योर एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी, वो फिर उस पर्पस को डिफीट करने लगता है। तो ये क्वेश्चन करने पे हमको पता चलेगा कि 100% ये एम लक्ष्मीकांत से भी नहीं बन रहा है, लेकिन आपने पढ़ी है अगर अच्छे से तो आप बना ज़रूर ले जाओगे, देखते हैं कैसे। तो ये समझ आया ना, ये गलती बहुत लोग करते हैं ट्रेंड एनालिसिस करते टाइम, थोड़ी सी उसमें एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी भी लगा देंगे, वो लगाने से क्वेश्चन बन जाएगा और बोलेंगे कि ये देखो इससे बन रहा है, बट वो तो वो क्वेश्चन बन रहा है ना। हमारा ट्रेंड एनालिसिस करने का मोटिव क्या है, क्यों अपनी आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करें, मे बी उस टाइम वो नहीं लगे। ठीक है, चलो क्या था क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट के बारे में बताना था।
तो पहला था कि तीन वर्ड्स ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, वेल नोन फैक्ट है, हर जगह दिया हुआ भी है। इट एडेड एट फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है देखते हैं। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज आर्टिकल 39A, 43A, 47A, फैक्ट देखते हैं। इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेजिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिसक्वालीफाई मेम्बर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी फैक्ट, और ऐसा फैक्ट जो लक्ष्मीकांत में इजीली आपको नहीं मिलेगा। लूसेंट में तो खैर नहीं मिल रहा है, लक्ष्मीकांत में भी आपको नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है ये पहले देखते हैं। लक्ष्मीकांत में जो लास्ट में अमेंडमेंट्स वाला सेक्शन दिया है, सारे अमेंडमेंट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, वहाँ पर देखो ये तो पता चलेगा कि 42nd अमेंडमेंट में तीन वर्ड्स दिए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब यहाँ पे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हो रही है ये नहीं लिखा है, बट अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। अच्छा ये लगा हुआ है, देख 42nd अमेंडमेंट एडेड पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो लिखा है ना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई, तो ये स्टेटमेंट 8 नहीं है 10 है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज़ आर्टिकल 39A, 43A, 47A, इसको चेक करना है। अब देखो पॉइंट 11 इसी का, एडेड थ्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, और इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप DPSP वाले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपरली मेंशनड है कि कौन से न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं 42nd अमेंडमेंट से, और ये ऐसा फैक्ट है जो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। कौन कौन से ऐड हुए हैं, आर्टिकल 39 हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला, चिल्ड्रन से रिलेटेड है। देखो याद करने में ना पूरा आर्टिकल याद मत किया करो, उसका कुछ एक कीवर्ड याद कर लो, जैसे कि इसमें याद कर लिया मैंने चिल्ड्रन वाला है, फिर आर्टिकल 39A वो लीगल एड वाला, फिर 43A वर्कर इन मैनेजमेंट वाला, और फिर 48A इन्वायरमेंट वाला, ये चार ऐड हुए हैं। तो अब देखो सारे हैं, 39A मैंने बोला कौन सा था, फ्री लीगल एड वाला, 43A कौन सा था, वर्कर्स इन मैनेजमेंट वाला, 47 नहीं ऐड हुआ, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो दो 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 के पेयर में ही, मतलब पेयर में ही गलत हुए हैं, 2 और 3 पता लग गया तो 2 और 3 हो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में आपको क्लियरली नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अगर मैं सोर्स ट्रेसिंग के हिसाब से कहूँ तो लक्ष्मीकांत से भी 100% नहीं बन रहा है, लक्ष्मीकांत से तो नहीं, लूसेंट से तो नहीं बन रहा है, लक्ष्मीकांत से भी 100% नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आप इसको बना के ले जाओगे, वो फॉर श्योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए जिसमें चार चार स्टेटमेंट दिए हैं, और चार चार स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि फैक्चुअल हैं कि सिंपल स्टेटमेंट देखा और फैक्ट को वो कर लिया, कॉन्सेप्ट वाले हैं जिसके लिए आपको एक टेक्स्ट बुक पढ़नी ही है, और यही मोटिव था इस वीडियो का कि आपको ये समझ आए कि अब जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनसे अलग हटने की थोड़ी ज़रूरत है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 मतलब, अब यहाँ तो समझा दिया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म भी हो सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360, खुद समझना होता कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, क्योंकि पूछ रहे हैं आर्टिकल, ऐसे दिख रहा है हमको कि आर्टिकल्स में इनका फोकस है, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट आर्टिकल पूछ रहे हैं, ये भी नहीं लिखा है कि इन्वायरमेंट वाला है कि वर्कर्स इन मैनेजमेंट वाला है, पिन पॉइंटेड आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, अभी नहीं ऊपर भी अनटचेबिलिटी वाला भी पूछा, नीचे एक और क्वेश्चन आएगा उसमें भी पूछा है, तो ट्रेंड दिख रहा है ना कि आर्टिकल्स हमको याद होने चाहिए, ठीक
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 360 से। तो अब क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, तो लूसेंट से नहीं बनेगा, आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं? द प्रेजिडेंट मे ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाई द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। एक और चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया करो, जैसे मैं अभी कर रहा था वैसे नहीं करना है। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड, इसको अंडरलाइन करो बस, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको रहे कि ठीक है ये इसका, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों की वजह से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। द प्रेजिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी अदर एम्प्लॉयज सर्विंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, ठीक है, जजेस की सैलरी वगैरह डिक्रीज कर सकते हैं। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर। चार स्टेटमेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग, ये और ये निगेट कर रहे हैं एक दूसरे को। इस पे आते हैं, अभी रुक जाओ। तो कहाँ से सॉल्व हो सकता है? लक्ष्मीकांत सर की बुक इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पढ़ी हुई है, चारों स्टेटमेंट्स इसी से सॉल्व हो जाएंगे। द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, रिडक्शन इन द सैलरीज किधर गया, ये रहा, सही हो गया। रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेजिडेंट, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स। डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज अलाउंसेज सर्विंग इन द यूनियन जजेस सुप्रीम कोर्ट सब सब कुछ, तो कहाँ गया ये वाला, ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो अगर बुक पढ़ी है अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन से सही है? 1, 3, 4। अब एक चीज़ देखो, मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है कि क्या करना है, तो क्वेश्चन की टोन क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब कि मुझे पैसे बचाने चाहिए। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत आ जाएगी तो कोई भी केस हो आप पैसे बचाने के बारे में सोचोगे ना, ट्रिप पे जाना है नहीं जाएंगे, नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है नहीं खरीदेंगे, लैपटॉप ख़रीदना है नहीं खरीदेंगे, घर खर्च में चीज़ों को थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है। तो टोन क्या है क्वेश्चन की कि फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, इस टाइम प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द प्रेसिडेंट मे ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी अदर एम्प्लॉयज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। सैलरीज कम कर देनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही तो सैलरी कम करनी चाहिए। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि स्टेट जो पैसे खर्च करने वाला है उसको प्रेसिडेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखोगे कि ये टोन ऑफ द क्वेश्चन से थोड़ा अलग जा रहा है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है तो प्रेसिडेंट ये बोलेंगे ना कि तुम जो भी खर्चा करने वाले हो वो एक बार मुझे दिखा देना कि मैं देख लूँ कि सब ठीक है कि नहीं, तुम थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा रहे हो कि नहीं, पैसे बचा रहे हो कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है टोन ऑफ द क्वेश्चन से अलग जा रहा है। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी, फिर देखो रिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंसेस कम करना है, किसी का भी हो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो किसी की भी सैलरीज को कम करना है, टोन ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर, रिजर्व करना चाहिए, ये भी टोन ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से। एक और चीज़ देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों कभी भी साथ में नहीं सही होंगे। साथ में सही नहीं होंगे इसका क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर नहीं हो सकता, डी हट गया,
फिर क्या देखा था हमने, ये टोन ऑफ द क्वेश्चन के अपोजिट है, तो टू नहीं हो सकता है, टू नहीं हो सकता है, आंसर हो जाएगा ए। इसको बोलते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल। कैसे आएगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ क्या? ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम वन लाइनर्स या पहले के आए हुए क्वेश्चन, मतलब पहले जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते थे, तो नहीं होगा। तुमको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाके ये एबिलिटी आएगी। कि तुमको नहीं भी आता होगा ना क्वेश्चन, तुमको एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड चीज़ें नहीं भी पता होंगी, तो भी तुम 10 में से 6, 7, 8 क्वेश्चन को सही कर लोगे। नेट पॉजिटिव में ही हो, छोड़ने से तो अच्छा है ना कि तुमने 8 क्वेश्चन सही कर लिए। अपनी ये तुक्का मारना नहीं हुआ, ये क्या हुआ? इंटेलिजेंट गेसिंग। ठीक है, तो इस पे और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल या कुछ इस टाइप की सीरीज़ चाहिए हो, तो ये आप कमेंट में बोलोगे, तो हम लोग उस पे कुछ काम कर सकते हैं कि PYQ प्लस इस पैटर्न के क्वेश्चन की कुछ सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें लाइव क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। जैसे ये चल रही है, तो इसमें तुम लोग ट्रेंड एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस है हमारा, क्वेश्चन सॉल्व करने पे कम है। क्वेश्चन के ट्रेंड को, क्वेश्चन के सोर्स की ट्रेसिंग में ज़्यादा हमारा फोकस है। लेकिन अगर आप लोग चाहते होंगे तो एक कोई ऐसी सीरीज़ ले आएंगे जिसमें हमारा फोकस जो होगा पूरी पूरी तरह वो MCQ को सॉल्व करने पे होगा, कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए MCQ सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलो ये दोनों तरीके से हमने देख लिया कि अगर हमको ये पता होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर पढ़ना है और टिक करना है और आंसर लेके निकल जाना है। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो कैसे कर सकते हैं, वो भी बता दिया मैंने। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेम्बर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। देख रहे हो, फिर से आर्टिकल्स आ गए, तो आर्टिकल्स पे है फोकस PPSC का, मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स आर्टिकल्स पूछ रहे हो, तो यहाँ से की टेक अवे रखना है आपको अपने सामने। ठीक है, तो अब लक्ष्मी, हाँ कहाँ से बना है ये क्वेश्चन? एम लक्ष्मीकांत सर की बुक, आर्टिकल 120, लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। सेम लूसेंट में भी दिया हुआ है 120, कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो सकता है, लेकिन मदर टंग की बात नहीं हो रही है। तो 100% ये क्वेश्चन ना लूसेंट से बन रहा है और ना ही ये लक्ष्मीकांत से बन रहा है। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है तो आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। मनी बिल जब भी आप पढ़ते हो, या बजट जब भी आप पढ़ते हो, 110 आर्टिकल हमेशा आते हैं आपके सामने। तो अगर आर्टिकल 110 मनी मैटर से रिलेटेड है, तो वो मदर टंग से रिलेटेड तो नहीं होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ए अकेला नहीं हो रहा है तो बी के साथ भी नहीं होगा, तो डी भी नहीं होना चाहिए। तो बात आ गई अब बी और सी के अंदर। अब देखो, सेपरेशन ऑफ पावर जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो आर्टिकल 50, आर्टिकल 122, ये सारे आर्टिकल्स आप पढ़ते हो सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ने के टाइम। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हो, तो कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, तो 120 तो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप अपने करेक्ट आंसर पे 120 क्लॉज वन, तो मैंने कहा ना कि टेक्स्ट बुक पढ़ना हमेशा ही आपको एक एज जरूर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत में भी और लूसेंट में भी सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। जहाँ चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे आर्टिकल्स को कोट कर देंगे। तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं कि हम एक एक आर्टिकल को बैठ के याद कर लें। हम तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही पिन पॉइंटेड कर सकते हैं ना, कि ये आर्टिकल या तो न्यूज़ में था, या तो ये आर्टिकल पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, या तो ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई,
या इमरजेंसी के सारे आर्टिकल्स हो गए, मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, DPSP से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, ये आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आउट ऑफ द ब्लू सारे आर्टिकल्स तो नहीं याद कर सकते ना। कल अगर ये पूछ लें ये पूछ लें तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ने का एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल के लिए क्या करना है वो हम थोड़ा सा रिजल्ट्स में बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा फोकस में है। तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी डील कर लिया हमने। लक्ष्मीकांत से और लूसेंट से दोनों से ही 100% नहीं बन पा रहे, बट अगर लक्ष्मीकांत पढ़िए तो एक एज है हमारे पास जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड, डिस्टिंक्टिव कल्चर, शाइनेस, बैकवर्डनेस। अब ये लक्ष्मीकांत में भी एज सच डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लूसेंट में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस से ये बन सकता है क्वेश्चन, और अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो वहाँ से भी थोड़ा बन सकता है। देखो, जहाँ पे ये ट्राइबल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द आउटसाइडर टू रिजाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके कस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड द मैनर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स तुमको यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन एक आइडिया मिल रहा है कि वो थोड़े से डिस्टिंक्ट कल्चर के होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके कस्टम्स अलग होते हैं। तो देखो, बहुत ऑनेस्टली नहीं कहा जा सकता है ये कि लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन बन जाएगा, बट टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो नोट करना है तो अगर आप नोट कर सकते हो कि द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया, फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर, हाँ ये क्यों क्राइटेरिया बनाते हैं, डिक्लेयर करना कोई वो थोड़ी है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट होती है उसके अंदर इंक्लूजन करना है ट्राइब को, तो उनके ये क्राइटेरिया होने चाहिए, इंक्लूजन इन शेड्यूल टाइप की लिस्ट में। पहला है कि बैकवर्डनेस होनी चाहिए, दूसरा है कि इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, ये दूसरा है, ठीक है, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए तीसरा है, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए ये चौथा है, बैकवर्डनेस मैंने बता दिया, और फिफ्थ है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये पांच ट्रेड होते हैं, इनके बेसिस पे शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में एंट्री मिलती है किसी भी ट्राइब को। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, अंडरस्टूड। और ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये सब पार्लियामेंट नोटिफाई करती है कि क्या क्या हम क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो लूसेंट से भी नहीं बना और लक्ष्मीकांत सर से की बुक से भी नहीं बना। अब ये देखो महाफैक्चुअल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लिस्टेड इन लिस्ट वन विद देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन लिस्ट टू। कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इनके एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईयर दिए हुए हैं। लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे पार्टीज़ के ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद हों? आंसर इज नो, ना तो पॉसिबल है ना तो इसका ROI है। एक बार क्वेश्चन आ गया तो मैं बैठ के पूरी ये टेबल नहीं याद करने बैठ जाऊँगा कि सारे के सारे पार्टीज़ के एस्टैब्लिशमेंट के ईयर मुझे याद हों। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज़ जैसे INC हो गई, BJP हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट हो गई, ऑल दो क्वेश्चन जो पूछे गए वो वैसे ही इंपॉर्टेंट पार्टीज़ के ही पूछे गए हैं, लेकिन सारी पार्टीज़ आपको याद नहीं करनी है। ट्रेंड का मतलब, ट्रेंड एनालिसिस का ये मतलब नहीं होता है कि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो अब उस एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरा अपना सोर्स चेंज कर दूँ। ट्रेंड का समझना, ट्रेंड एक लार्जर नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन आप स्किप करने के लिए भी रख सकते हो, लेकिन ये भी बन सकता था क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं।
ठीक है, तो ऑल दो ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से बन सर की बुक से बन रहा है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये 100 सारे के सारे, अब ये 17 पे ही नहीं रुका है, ये नीचे इसके और लिस्ट हैं जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो कल को कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो, तो एक क्वेश्चन आप रख सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने बाकी के 14 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, तो मैं 13 क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी पूछ रहे हैं तो ठीक है नहीं आता होगा मुझे, 13 में 13 तो सही कर दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1975, दोनों में दिया हुआ है 75 75। ठीक है, इजी क्वेश्चन जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सॉल्व करना, सॉरी गलत करना। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, अब कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। क्या फाइंडिंग है पहली भाई, कि सोर्सेज नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। दिख रहा है ना कि डिमांड ऑफ एग्ज़ाम चेंज हो रही है, कहाँ पहले एक एक लाइन के क्वेश्चन आते थे, चार चार स्टेटमेंट दे दे रहे, चार स्टेटमेंट के बाद चार ऑप्शन भी, मैच द फॉलोइंग में ऐसे ऐसे फैक्ट्स दे दे रहे, तो एग्ज़ाम की डिमांड तो चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमारे सोर्सेज भी चेंज होने चाहिए, जिनके सोर्सेज सिर्फ लूसेंट हैं वो 13 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे, और 6 क्वेश्चन में भी चांसेस रहते हैं एक आध एक दो गलत होने के, तो आपका स्कोर हो जाएगा 4 out of 13 विथ नेगेटिव मार्क्स, लेकिन जिसमें लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखी है, रिवाइज कर रखी है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 10 तो बहुत ईजिली बना लेगा। ठीक है, क्योंकि और इसकी गलत करने की पॉसिबिलिटी कम होगी अगर इसने प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि इसको सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ फैक्ट्स याद हैं, लेकिन अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसको सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद हैं, उसको कॉन्सेप्ट्स भी पता है, तो उसकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होने लगती है, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होने पर वो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सोच के क्वेश्चन आंसर तक पहुँच सकता है। और जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं डिफ़िकल्टी लेवल की या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की, देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना तो उसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि वो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, सारे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे बीपीएससी का पहले का पैटर्न देखो, बिल्कुल ही सिंपल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, फिर क्या होता है कि यहाँ पर सैचुरेशन आ जाती है, सारे क्वेश्चन पूछ लिए आप क्या रिपीट थोड़ी करते रहेंगे एक ही चीज़ को, तो वो लेवल थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगेंगे, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ भी सैचुरेशन आने लगेगी, या अगर यहाँ से भी लेवल बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी पूछेंगे, इसमें फैक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे, जो कि बीपीएससी कर रहे हैं। तो अगर इस लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं तो सोर्स आपका बिल्कुल ही सॉलिड होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के याद करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फाइंडिंग हमारी, देर आर सम चैप्टर विच आर वेरी हाई यील्डिंग कंपेयर टू द अदर चैप्टर, दिस नीड टू बी आइडेंटिफाइड। आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, अगर लक्ष्मीकांत सर की बुक खोलोगे उसमें 60-70 चैप्टर्स हैं, तो आप सोचो कि आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है लूसेंट से तो नहीं हो पा रहा है तो लक्ष्मीकांत तो पढ़नी पड़ेगी, तो आपने बुक उठाई और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना शुरू कर दिया, तो नहीं वो नहीं करना है हमको, क्या करना है लास्ट पांच भी नहीं चार प्रीलिम्स के पेपर देखो और पॉलिटी का एनालिसिस करो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ से आ ही रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उनको करूँगा मैं पहले। ठीक है, ये एक फाइंडिंग हुई हमारी। तीसरी फाइंडिंग क्या है, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। प्रैक्टिस नहीं होगी ना, मल्टीपल टाइम आपने क्वेश्चंस नहीं बनाए होंगे तो आप गलती करोगे ही, आप कंफ्यूज होगे ही होगे, मल्टीपल क्वेश्चंस में देखा हमने, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में कंफ्यूज हो सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस में कंफ्यूज हो सकते हो, तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस से ही आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, जो नहीं आते होंगे क्वेश्चन वो भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी, अब इन फाइंडिंग के बेसिस पे हम कुछ आपको सजेशंस देंगे कि क्या करना चाहिए भाई। ठीक है, तो इतना काम किया
क्यों किया, कुछ पता चले ना कि अब क्या करना चाहिए। तो पहली फाइंडिंग क्या है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है। इसके साथ क्या करना होगा कि फैक्ट्स भी याद करने होंगे, क्योंकि बताया मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लिबर्टी क्या होती है, कॉन्सेप्ट वाइज बता दो, इक्वालिटी क्या होती है, ऐसा भी नहीं है। कॉन्सेप्ट तो पूछ ही रहे हैं, उसमें फैक्ट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना ही होगा और साथ में फैक्ट्स भी याद करने होंगे। इसकी लेकिन एक एडवांटेज है, अगर आप सिर्फ बैठ के रट्टा लगाने बैठोगे ना कि आर्टिकल 17 ये, आर्टिकल 18 ये, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट ऐसे, नंबर ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट जजेस ये डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट जजेस ये डिसाइड करेगा, तो याद करना बहुत मुश्किल है और बहुत कन्फ्यूजिंग है। लेकिन अगर आपको उस चैप्टर के टेक्स्ट पता है, उस चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो मेमोराइजेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस शुड बी गिवन फर्स्ट ऑन हाई यील्डिंग सेक्शन। हाई यील्डिंग सेक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। प्रैक्टिस लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे करना है, पुराने क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आते थे उस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं फ़ायदा होने वाला है। जो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उनको बनाएंगे, उनके लिए स्किल डेवलप करेंगे, उनके थ्रू देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिस बुक आपके लिए मस्ट है, ऐसी बुक जो सिर्फ बीपीएससी 70th को टारगेट कर रही हो, ना कि ऐसी बुक जो कि एसआई लेवल, दरोगा लेवल, जेपीएससी, यूपीपीएससी और कौन सा है एमपीपीएससी, सबको एक साथ फोकस करती है। अगर आपका 10 जगह फोकस है तो आपका कहीं फोकस नहीं है। आपको ऐसी बुक चाहिए जो कि सिर्फ क्यूरेटेड है बीपीएससी 70th के लिए, ऐसी प्रैक्टिस बुक आपके लिए मस्ट है। डेली करंट अफेयर्स क्यों लिखा ये मैंने, क्या देखा हमने कि करंट अफेयर्स नहीं आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कहीं ना कहीं से घूम के कहीं कभी कोई आर्टिकल, कभी मदर टंग का आर्टिकल, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल, कभी और कौन सा आर्टिकल एक आया था, एक और कोई आर्टिकल था ना। ठीक है, तो आर्टिकल्स दिख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, वो DPSP वाला है ना। तो करंट अफेयर्स को आर्टिकल से कैसे लिंक कर दिया मैंने, देखो डेली न्यूज़ एनालिसिस अगर आप देखते हो जो रोज़ चैनल पे अपलोड होती है, या अगर आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो पॉलिटी के न्यूज़ तो रोज़ आती है, कुछ ना कुछ पॉलिटी रिलेटेड हो ही रहा होगा। आपको क्या करना है, अपने साथ एक बेयर एक्ट रखनी है। बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट कह लो। तो इसके लिए एक बुक भी है, PM बख्शी सर की बुक आती है, इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है आवर कॉन्स्टिट्यूशन करके। या तो बुक रख लो, नहीं तो फ़ोन में एप्लीकेशन रख लो, जब भी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आपके सामने आए, रोल ऑफ स्पीकर आ जाए, गवर्नर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, दिल्ली KLG से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, मनी बिल से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, बजट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, मेरा काम क्या रहेगा, मैं उस ऐप में जाऊँगा और देखूँगा कि कौन सा आर्टिकल इस न्यूज़ से रिलेटेड है। देखने के बाद आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ूंगा, बंद कर दूंगा, एक मिनट का काम है बस। लेकिन इससे होगा क्या, मैं रोज़ आर्टिकल अपने रिवाइज़ कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा हूँ, मेरे आर्टिकल्स भी रिवाइज़ हो रहे हैं। आर्टिकल याद करने का कोई अलग तरीका नहीं है, मैं बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन रटने नहीं बैठूंगा, मुझे अपने आर्टिकल्स को अपनी प्रिपरेशन में किसी तरह से अटैच करना होगा कि आर्टिकल्स मुझे कैसे याद होंगे। तो उसका बेस्ट तरीका यही है। एक और क्या तरीका है, पॉलिटी जब भी पढ़नी है आर्टिकल्स को साथ में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल पढ़ने हैं साथ में, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसके पढ़ने हैं, गवर्नर पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस थी जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब एक मैंने कहा कि हाई यील्डिंग चैप्टर्स क्या क्या हैं आपको फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट मैं दे देता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करोगे। बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसके शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अमेंडमेंट कैसे होता है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर लो, लेकिन अमेंडमेंट के लिए अलग से चैप्टर लिखा होगा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
कि वो फिर वैसे तो फिर पूरी पॉलिटी आप यहीं से निकाल लोगे, लेकिन बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। सोर्सेज क्या हैं, पार्ट्स किसको कहते हैं, शेड्यूल किसको कहते हैं, किस शेड्यूल में क्या चीज़ है, किस पार्ट में क्या चीज़ है। पार्ट वाले क्वेश्चन यूपीएससी में इस बार काफ़ी आए हैं, यूपीएससी में भी आए हैं और सीएपीएफ के भी पेपर में आए हैं। तो हो सकता है कि बीपीएससी इस बार वो चीज़ पूछ ले, शेड्यूल से हटके पार्ट पे पूछना शुरू करे। तो थोड़ा थोड़ा ना आसपास के एग्ज़ामों पे भी नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर आपका हो गया, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो गया आपका। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नर पे और लोकल गवर्नमेंट पे 69th में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका इम्पोर्टेंस घटा है। बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीपीएससी के लिए, तो बहुत फोकस होना चाहिए इस पर। जुडिशरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बताया ही मैंने, ठीक है। एक छूट गया पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें मनी बिल क्या होता है, राज्यसभा का क्या रोल है, लोकसभा का क्या रोल है, स्पीकर किसको कहते हैं, ये सब कुछ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए और कॉन्सेप्चुअली पता होने चाहिए। लास्ट एक चीज़ मैंने आपको कही कि प्रैक्टिस आपको करना है न्यू पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो या पुराने पैटर्न को कर रहे हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप फॉलो करोगे वो PYQ। PYQ से अच्छा कोई सोर्स नहीं है किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए। PYQ के लिए आप बुक तरकश रेफ़र कर सकते हो, या कहीं और से अगर आप PYQ रेफ़र कर रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा वो आई डोंट थिंक या आई डोंट नो कि कैसा आपको आपकी बुक में मिल रहा है। और प्रैक्टिस के लिए ये देखो, सिर्फ और सिर्फ ये BPSC के लिए, ये 50 एग्ज़ाम को केटर नहीं कर रही है कि आज ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया तो इसमें चल रही है, आज इसका नोटिफिकेशन आया तो इसमें चल रही है। ये सिर्फ 70th BPSC के लिए प्रैक्टिस बुक बनी है। इसको तो सॉल्व करना ही करना है, इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। इसको आपको पब्लिसिटी कहना हो, पब्लिसिटी, मार्केटिंग कहना हो, मार्केटिंग, आप क्वेश्चन बुक ले लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि ये मैंने पब्लिसिटी या मार्केटिंग के लिए कहा था या ये आपको करेक्ट सजेशन देने के लिए कहा था। ये दोनों बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। बुक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। तो इतना ये सब कुछ था, आई होप कि इस एनालिसिस से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला हो। प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी की प्रिपरेशन आपकी थोड़ी राइट डायरेक्शन में जाए इस वीडियो को देखने के बाद। एक दो चीज़ें, इस PDF का अगर आपको, इस PPT का अगर आपको PDF चाहिए हो फर्दर रेफरेंस के लिए, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और एक चीज़ मैंने आपको कमेंट करने के लिए कही कि अगर आपको MCQ सीरीज़ चाहिए हो कि हाँ मुझे, जैसे हमने MCQ सॉल्व करके आपको दिखाया कि नहीं आते हुए भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, अगर वो सीरीज़ चाहिए हो तो वो आप कमेंट करके बताओगे, तो उस टाइप की सीरीज़ हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। चलो, ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।